जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनका काम ही इनकी पहचान है और इनके काम की कामयाबी की पहचान पर ही वो सोलापुर में मशहूर और मारूफ हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर युवक अध्यक्ष जनाब जुबैर भाई भगवान की। तो आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। जुबैर भाई भगवान, आपका लोक प्रधान न्यूज की जानिब से और लोक प्रधान की टीम की जानिब से हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? एजुकेशन वैसे बहुत काफी आगे तक एजुकेशन हासिल करने की तमन्ना थी, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो ना 12th की मेरा एजुकेशन हासिल किया उर्दू मीडियम से। ये सवाल पूछने की वजह ये थी कि आज जो आप काम, आप जो आज लेवल पर हैं या फिर आपके जो काम है वो काम को मद्देनजर रखते हुए आपका एजुकेशन पूछना हमें जरूरी लगा, इसके लिए हमने आपका एजुकेशन पूछा। अगला सवाल ये है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की वजह क्या थी? पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की ऐसी कुछ खास वजह नहीं है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला तब से लेकर वर्तमान पत्र हो या फिर जो ना इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़ लगते हैं वो न्यूज़ में चैनल के माध्यम से या फिर जो ना पेपर न्यूज़ के माध्यम से मैं हमेशा से लेकर जो ना पॉलिटिकल न्यूज़ को ज़्यादा मतलब वहाँ पर गौर फिक्र से जो ना पढ़ा करता था, देखा करता था। तो उसमें एक चीज़ ऐसी मुझे दिखाई थी कि जो ना अगर लोगों के काम करना है वो चाहे सोशल वर्क हो या फिर जो ना सियासी वर्क हो उसमें जो ना एक पॉलिटिशियन टच यहाँ पर जो ना जरूरी होता है लोगों के अगर काम करना हो। तो इसी को चलते बहुत मतलब मैं पिछले 2008 की बात कहूँगा तो 2008 में मैं मतलब राष्ट्रवादी ओबीसी सेल का जो ना अध्यक्ष रह चुका हूँ, 2 साल में वो पोस्ट पर काम भी किया हूँ। बता दी चलें कि जुबैर भाई भगवान मार्केट यार्ड में एक बड़े बिजनेसमैन की हैसियत रखते हैं, इसीलिए हमने ये सवाल पूछा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की वजह क्या थी। तो आपने राष्ट्रवादी पार्टी को ही चुना, इसकी वजह बता सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपके सवाल का जवाब दिया कि जो ना मैं काफी अरसे से जो ना न्यूज देखा करता था और जो ना पेपरों में हमेशा से लेकर मैंने हमारे भारत देश के एक महान नेता राष्ट्रवादी कांग्रेेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के काम पर और उनकी जो सर्वधर्म समभाव यानी कि अट्टा पकड़ जाति को लेकर जो ना आगे चलने का जो उनका मंसूबा है उनके काम को आदर्श मानकर मैंने जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस यहाँ पर जो है ज्वाइन करने का फैसला किया। और उसी के साथ साथ मेरा जो पूरा परिवार है पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक मेरा पूरा परिवार जो ना मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी पार्टी के हमारे जो है ना सीनियर लीडर और मेरे मामा अल्पसंख्यक विभाग के जो है ना शहर अध्यक्ष रह चुके हैं उस्मान जी बागवान साहब, ये भी जो है ना पार्टी से थे और 2002 में हमने जो है ना प्रभाक्रमण 32 से जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने महानगर पालिका का चुनाव लड़ा। 2007 में भी हमने जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से महानगर पालिका का चुनाव लड़ा। 2012 में भी हमने जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ा। तो मामू राष्ट्रवादी में थे और वैसे भी मैं जो पवार साहब के काम को जो है ना मतलब बहुत मानता हूँ, आदर्श वो जो ना पवार साहब मेरे आइडियल हैं और पार्टी के सीनियर लीडर आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधिमंडल नेता और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री उनकी जो काम की जो पद्धत है उन पर जो ना इम्प्रेस होकर मैंने जो ना राष्ट्रवादी ज्वाइन करने का फैसला किया। अच्छा, आपको शहर राष्ट्रवादी युवक ये जो अध्यक्ष पद है ये आपको कौन से ईयर में मिली? सोलापुर शहर राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष पद 2017 नवंबर 2017 में जो ना मुझे राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष पद से जो है ना यहाँ पर नवाजा गया। अच्छा, जब आपको राष्ट्रवादी की युवक अध्यक्ष पद मिली उस वक्त तो सोलापुर में पार्टी के हालात क्या थे या फिर उनकी ताकत किस लेवल पर थी? 2017 के महानगर पालिका के चुनाव मैं मानता हूँ फरवरी के महीने में हुए और उस वक्त में हमारे नगर सेवक 16 हमारी जो ना महानगर पालिका में संख्या थी और 16 की संख्या जो ना वहाँ पर 4 हो गई और बहुत ही खस्ता हालत वहाँ पर जो ना पार्टी की थी। ऐसे हालात में
सोलापुर शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष पद पर विराजमान यहाँ पर जो ना हमारे बड़े भाई संतोष भाव पवार साहब को जो ना वहाँ पर जो ना कार्याध्यक्ष के रूप में उन्हें जो ना वहाँ पर वो पद दिया गया और उनके पद को मतलब नियुक्ति होने के बाद 6 महीने के बाद जो ना मुझे मतलब नवंबर के महीने में सोलापुर शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का अध्यक्ष पद मुझे दिया गया। मैं मानता हूँ कि इतनी मतलब पार्टी बहुत ज़्यादा जो ना बैकफुट पर चली गई थी और बहुत ही चैलेंजिंग वहाँ पर जो ना हमारे लिए संतोष भाव पवार साहब के लिए और मेरे लिए जो ना बहुत ही जो ना चैलेंजिंग ये जो ना पोस्ट था। और मैं मानता हूँ कि 2017 से लेकर आज तक हमारे सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भारत जी यादव साहब हो और कार्याध्यक्ष संतोष भाव पवार साहब हो, युवा अध्यक्ष मैं हूँ और हमारी पूरी टीम 2017 से लेकर जितने भी जो ना नियुक्ति यहाँ पर जो ना हुई वो सभी टीम के माध्यम से सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भक्कम और जो ना ताकत बल बनाने के लिए सभी का सहयोग यहाँ पर जो ना हमारा रहा है। और महाराष्ट्र में भी जो ना सत्ता मतलब भाजपा की थी और जो ना केंद्र में तो सत्ता जो ना पिछले 2014 से जो ना भाजपा की रह चुकी है। भाजपा के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन निदर्शन मोर्चे और बीजेपी ने किस तरीके से जो ना मतलब भारत देश की जनता को यहाँ पर जो ना झूठे आश्वासन देकर जो ना सत्ता जो ना हासिल करने का बखूबी काम यहाँ पर जो उन्होंने अंजाम दिया उसके जो ना उसका नकाब जो ना यहाँ पर उतारने का काम सोलापुर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जानिब से जो ना बखूबी तौर पर यहाँ पर अंजाम दिया गया। तो जैसा कि 2017 में आपको नॉमिनी किया गया या फिर उसमें आपको युवक अध्यक्ष के पद से नवाजा गया, उसके बाद 2019 में एमएलए इलेक्शन हुआ। 2019 के एमएलए इलेक्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको उम्मीदवारी दी गई जो कि सोलापुर में आप पहले मुस्लिम शख्स हैं जिसको राष्ट्रवादी पार्टी ने बी फॉर्म दिया या फिर आपको उम्मीदवारी दी। उस वक्त पार्टी के आदेश के हिसाब से आपने कदम पीछे ले लिए। अगर इलेक्शन लड़ा जाता तो उस वक्त सोलापुर के हालात क्या होते और सोलापुर में जो इलेक्शन के नतायज हैं वो क्या होते, थोड़ा खुलासा करें। 2019 के विधानसभा चुनाव के समय में मुझे याद है 3 अक्टूबर की रात 11:30 से 12:30 के वक्त में मुंबई पार्टी ऑफिस से मुझे जो ना फोन आया कि आपको कल यानी कि 4 अक्टूबर 2019 आपको सोलापुर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ से इलेक्शन के लिए आपको खड़ा रहना है, तो आप जो ना तैयारी में आप रहिए। तो मैं चौंक गया कि व्हाट इज दिस, जबकि अलायंस है हमारा और पार्टी की तरफ से मुझे जो रात में 11:30 बजे कॉल आया तो बहुत ही बेचैनी का मेरा जो ना माहौल था। सुबह में 8 बजे शहर कार्याध्यक्ष हमारे बड़े भाई संतोष भाव पवार का मुझे फ़ोन था कि जुबैर भाई हम पार्टी का आदेश है और आपके नाम पे ए बी फॉर्म जो ना मुंबई से निकला हुआ है, 11 बजे तक जो है ना ए बी फॉर्म आपको दिया जाएगा और आप जो ना तैयारी कीजिए। तो मतलब कहूँ ये अचानक ये क्या नहीं, ये बोले पार्टी का जो ना आदेश है और हमें जो ना उसको फॉलो करना है। तो जुम्मा का दिन था, 3 बजे का वक्त था, सुबह में 8:30 बजे से जो ना मेरी टीम जो ना अचानक से विधानसभा का उम्मीदवार याद से दाखिल करना, बहुत सारे जो ना उसके फॉर्मेलिटीज होते हैं उसको जो ना पूरा करना होता है। तो उस पीरियड में मेरे सहयोगी मेरे अजीज दोस्त रियाज मोमिन हो और हमेशा से राजकीय करियर में जो ना हमेशा साई की तरह मेरे साथ में रहने वाले मेरे सहयोगी अहमद मासूमदार हो, इन दोनों ने काफ़ी वहाँ पर जो ना जद्दोजहद करके जो है पूरी फॉर्मेलिटीज वहाँ पर जो ना पूरी की और हमने जो ना ए पी फॉर्म हमें 12:30 के वक्त में हमें ए पी फॉर्म हमें मिला और 4 अक्टूबर 2019 सोलापुर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बोलकर वहाँ पर जो ना मुझे नॉमिनेट किया गया और 2:45 के वक्त में मैंने जो ना अपना उम्मीदवारी अर्ज जो है निर्वाचन आयोग के पास मैंने जो ना दाखिल किया और मैं समझता हूँ जैसी उम्मीदवारी अर्ज में दाखिल किया वैसे पूरे महाराष्ट्र में ये न्यूज चली कि मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में 288 जो MLA के सीट होते हैं उसमें सोलापुर शहर ही ऐसा मतलब ये सेंट्रल का ऐसा सीट था कि
कि कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रवादी कौन था, तो सबकी नजरें यहीं पर थी, और कुछ पैतरे होते हैं सियासत में, वो सीनियर लीडर वहां पर जो तय करते हैं, और हमें सीनियर लीडरों के जो आदेश होते हैं उनको फॉलो करना एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मेरा जो ना फर्ज था। तो बहुत न्यूज़ ये पर जो ना महाराष्ट्र में यहाँ पर चली, और 11th आवर पर मुझे जो ना मतलब विड्रॉल का जो वक्त था 7 तारीख को सुबह 9 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद पवार साहब का जो ना मैसेज था हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष बालाजी जाधव साहब को कि हमें जो ना अभी हमारे उम्मीदवार को जो ना विड्रॉल करना चाहिए, 11 बजे आप जो ना जाकर विड्रॉल करो। तो 11:30 के वक्त में इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री मेरे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार साहब से मेरी बात हुई, तो अजीत दादा ने कहा कि थोड़ा वेट करके जो ना आप डिसीजन ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ पार्टी का आदेश था तो मैं उम्मीदवार वहाँ पर जो ना दाखिल किया और पार्टी के आदेश के मुताबिक ही मैंने जो ना विड्रॉल किया। अगर इलेक्शन मतलब कंटिन्यू अगर होता तो शायद जो आज आमदार है वो आज आमदार कांग्रेस के नहीं होते। मतलब आप अगर लड़ते तो बिल्कुल किसी के सीट को धोखा था। बिल्कुल तस्वीर जो ना 16 को शहर बद्दे विधानसभा मतदार संघ की अलग होती, क्योंकि मैं जो ना सेक्युलर पार्टी से बिलोंग करता हूँ और दो शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ के जो आमदार हैं रनिंग एमएलए जो हैं वो भी सेक्युलर पार्टी से ही हैं और हमारे दोनों के अलायंस थे और पार्टी के पास मेरे से भी सीनियर वहां पर चेहरे थे और मैं समझता हूं कि मेरे से जो ना बहुत पुराने जो ना अपने समाज के हो या इतर समाज के हो एक्टिविटीज में तो बहुत सारे चेहरे वहां पर पार्टी के पास थे, लेकिन पार्टी ने जो ना जुबेर बागवान नाम इसलिए चुना कि एज ए यूथ प्रेसिडेंट ऑफ सोलापुर सिटी एक अच्छा काम एक अच्छा चेहरा हमें जो ना युवा चेहरा जो ना देना चाहिए। और पार्टी के पास ऐसी आई भी रिपोर्ट थी कि मैं 8,000 से 11,000 के आसपास में जो ना दौड़ूंगा और अगर कंटिन्यू होता मेरा उम्मीदवारी अर्ज तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। तो सोचने वाली बात है, एक चेहरा जो सिर्फ 2 साल पहले 2017 में शहर राष्ट्रवादी शहर युवक का अध्यक्ष बनता है और 2019 में उसको एबी फॉर्म दिया जाता है शहर मध्य से इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी एमएलए इलेक्शन, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम और मेहनत की बुनियाद पर इन्होंने वो मुकाम हासिल किया था। खैर वो आगे जो भी है पार्टी के आदेश थे इसके लिए वो सियासत में होते रहता है। तो एक सवाल ऐसा भी है, सुशील कुमार शिंदे और शरद पवार साहब इन दोनों के बीच इलेक्शन को लेकर कुछ पर्सनल आपसी करार तय हुए थे, क्या ये सही है? नहीं, सियासत में ऐसे करार नहीं किए जाते जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अपना अपना एक स्टैंड होता है और सोलापुर शहर में सिटी के मुताबिक अगर देखा जाए तो माजी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय सुशील कुमार शिंदे साहब की मजबूत पकड़ जो है ना वैसे सिटी में भी रही है, ग्रामीण भाग में भी जो ना वहाँ पर उनकी जो ना पकड़ मजबूत थी। वक्त और हालात के साथ में जो ना लोगों की जो ना मतलब चॉइस बदलती जाती है, तो उसी तरीके से सोलापुर शहर में भी जो ना राष्ट्रवादी पहले से काम करती आई हुई है और ग्रामीण में भी जो ना काम करती आई हुई है, ऐसा कुछ मैं इस बात को नहीं मानता कि जो ना आपसी कुछ करार हुआ था। तो अभी जो महानगर आने वाले जो महानगर पालिका इलेक्शन है उसमें राष्ट्रवादी पार्टी महान विकास आघाड़ी के साथ इलेक्शन लड़ेगी या फिर अपना सिंगल इलेक्शन लड़ेगी? आने वाले 2022 के महानगर पालिका के चुनाव में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो इलेक्शन में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अलायंस के बारे में जो ना घोषणा करेंगे और ये वरिष्ठ लेवल पर जो ना इसकी डिस्कस होगी, मतलब सीनियर लीडर इसका जो ना डिक्लेरेशन करेंगे। एज ए यूथ प्रेसिडेंट बोलकर अगर मुझे अगर ये सवाल किया जाता है सोलापुर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलायंस करके लड़े या सिंगल लड़े, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि महानगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो कार्यकर्ताओं को न्याय देने के चुनाव होते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अभी जो भागदौड़ है पिछले 2 साल से 2.5 साल में हमने जो ग्रिप हासिल किया, आज मैं मानता हूँ कि सोलापुर शहर में जो ना आम लोगों की समस्याओं को हल करने का काम बखूबी भारत जाधव साहब और संतोष जी पवार साहब के नेतृत्व में पूरी सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की टीम यहाँ पर जो ना बड़े बेहतरीन अंदाज से जो ना लोगों के जो ना खिदमत में लगे हुए हैं, लोगों के काम हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर न्याय देना है तो मैं सिंगल लड़ना होगा।
एज ए युवक अध्यक्ष बोलकर जो है ये मेरी राय रहेगी पार्टी की। तो मैं समझता हूँ पार्टी आपकी राय को अमल में लाकर उस पर काम भी करे, एक मेरी राय है। और अभी हाल ही में जो एक वाकया हुआ सिविल हॉस्पिटल में बाबा मिस्त्री को लेकर, उससे अवाम में काफी नाराजगी का मुजाहरा हुआ, तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल पालक मंत्री का जो दौरा था, उस दौरे के वक्त में हमें ऐसी खबर थी कि जो ना, देखो भारत देश एक लोक प्रधान देश लोकशाही प्रधान देश है, तो हर एक को जो ना अपना राइट है कि हम जो है ना किसी चीज़ की मुखालिफत करें तो खुलकर किया जाए। तो उस वक्त में पालक मंत्री साहब के खिलाफ बीजेपी के कुछ लीडर्स या कार्यकर्ते कुछ आंदोलन वगैरह जो ना ऐसा कुछ उस दिन होने वाला था, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर वहाँ पर जो है सिक्योरिटी लगाई गई थी। और पालक मंत्री साहब हमारे पार्टी के कार्याध्यक्ष आदरणीय संतोष पवार हो और मैं, जब हमने सिविल का दौरा करने का जब यहाँ पर जो है तय किया और हम लोग जब सिविल में पहुँचे तो पालक मंत्री के सामने बाबा मिस्त्री साहब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हमारे बड़े भाई और विद्यमान नगर सेवक और पिछले 20 से 25 सालों से उनका जो सहयोग आम जनता के लिए जो ना यहाँ पर सिविल के माध्यम से जो रहा है, वो जब सामने आकर जो ना पालक मंत्री साहब से जो ना एक्चुअल परिस्थिति जो ना सिविल में क्या है वो बताने के लिए जा रहे थे, तो पालक मंत्री जो ना गड़बड़ में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आने के बाद बात करूंगा। और उपायुक्त तो परिमंडल विभाग के जो हमारे सोलापुर शहर के वैशाली करुकर मैडम है, उन्होंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा रुकिए, जैसे ही पालक मंत्री महोदय बाहर आएंगे आप उनसे रब्ता कायम कीजिए। तो उसी मैं समझता हूँ कि 12 से 15 सेकंड की जो वीडियो थी उसी वीडियो को आपके चैनल्स के माध्यम से जो ना सोलापुर शहर में चलाया गया, जिसके चलते लोगों में जो ना नाराजगी बढ़ गई कि जो ना पालक मंत्री साहब ने बाबा मिस्त्री साहब को जो ना वहाँ पर इग्नोर किया। और उसमें ऐसा दिखाया गया कि जो ना एज अ मुस्लिम नगर सेवक बोलकर जो ना वहाँ पर जो ना और 25 साल से जो ना वो रुग्ण सेवक के तौर से काम कर रहे हैं, गरीब लोगों का जो ना वो सहारा है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन एक गैर समझ वहाँ पर हुई। जैसे ही पालक मंत्री साहब जो ना कोविड विभाग से बाहर आए, मैं और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठनेता किशन यादव साहब हो और हमारे जो ना कार्याध्यक्ष संतोष पवार साहब हो, मैं हम तीनों ने मिलकर पालक मंत्री साहब से ये कहा कि जो ना ये बाबा मिस्त्री जो ना कांग्रेस के जो ना एक सीनियर लीडर हैं, नगर सेवक हैं और सिविल में काफ़ी अच्छा इनका काम जो ना काम है और सिविल की मालूमात ये आपको बेहतर तरीके से दे सकते हैं, तो आप उनसे जो ना बात कीजिए। तो मेरे पास आज भी वो चीज़ के जो ना प्रूफ है कि पालक मंत्री साहब जैसे उन्हें मिले, उसकी वीडियोज भी मेरे पास हैं, वो ये चीज़ें जो ना मतलब शो नहीं हुई लोगों के अंदर। तो पालक मंत्री साहब के पास मतलब जैसे ही बाबा मिस्त्री वापस जब पहुंचे तो पालक मंत्री साहब ने उनसे ये सवाल किया कि आप नगर सेवक हैं। देखो ये पालक मंत्री एक्चुअल जब ये पालक मंत्री पद ने दिया गया तो सोलापुर शहर में जो ना कोविड की परिस्थिति कैसी भयावह थी ये पूरा सोलापुर जानता है। अभी जो ना राजकीय बैठक कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना और जो ना जितनी भी मित्र पक्ष हैं हमारी राजकीय बैठक अभी तक हुई नहीं, तो नगर सेवक कौन है क्या है ये जो ना हमारे मतलब सोलापुर जिले के कर्तव्य रक्षक पालक मंत्री ये जानती नहीं ना। हमने जब ये चीज उन्हें कन्वेंस करके दी तो पालक मंत्री साहब ने बाबा मिस्त्री साहब से बाकायदा माफी मांगी कि सॉरी मैंने आपको पहचाना, ये सब चीजें जो ना शो नहीं हुई, ये चीजों को जो ना बताया नहीं गया और उसके चलते लोगों के बीच में नाराजगी ऐसी है कि बाबा मिस्त्री को जो ना पालक मंत्री साहब ने इग्नोर किया। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक सवाल ये करता हूँ कि जब बाबा मिस्त्री का इंट्रोडक्शन होने के बाद पालक मंत्री साहब का ये काम था कि वो उनको लेकर वापस हॉस्पिटल का अगर दौरा करते, तो मैं समझता हूँ सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारियों से लेकर डॉक्टर से लेकर अवाम से लेकर जितने भी परेशानियां हैं ये बाबा मिस्त्री बखूबी जानते थे। तो ये एक पालक मंत्री के सामने डॉक्टर से बेहतर बाबा मिस्त्री पेश कर सकते थे, क्यों? तो डॉक्टर्स भी वहाँ पे चेंज होते रहते, कोई परमानेंट डॉक्टर है नहीं वहाँ पे। तो बाबा मिस्त्री एज अ सोलापुर रेसिडेंट वो एक परमानेंट नागरिक हैं और वो हमेशा सोलापुर में सिविल हॉस्पिटल में अपना काम अंजाम देते रहते हैं, अपनी एक्टिविटी अंजाम देते रहते हैं। तो उस वक्त अगर
ये पालक मंत्री के जरिए बोले, आपके जरिए अगर इनको लेकर मौका दिया जाता तो ये नाराजगी का इशू भी नहीं बनता और आवाम नाराज भी नहीं होती। नहीं, पालक मंत्री साहब जब अंदर, जब कोई विभाग से जब बाहर आने के बाद जो ना उन्होंने उनसे रब्ता कायम किया और ये सब चीजें जो ना वहीं पर खत्म हो गई। और मैं समझता हूँ कि सोलापुर जिले के पालक मंत्री और पावर मिस्त्री ये इशू को जो ना वहाँ पर जो ना उसी वक्त में जो ना मतलब पर्दा उस पर गिर गया। एक रीजन ये भी हो सकता है जैसा आपने बताया कि अब तक ये कोविड को लेकर लोगों में या फिर जो राजकीय लोग हैं पालक मंत्री से बोले या फिर जितने अधिकारी हैं उनसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, जो न्यू अपॉइंटेड हैं। जी जी, जो न्यू अपॉइंटेड लोग हैं उनका आपस में इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, क्यों तो सोशल डिस्टेंस रखना है, तो एक वजह ये भी मान सकते हैं पालक मंत्री साहब बाबा मिस्त्री को नहीं पहचानने की। खैर, ईद के 8 दिन पहले से ईद तक जो लॉकडाउन किया गया उसको लेकर पालक मंत्री के खिलाफ लोगों में नाराजगी का मुजाहरा हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल ये जो निर्णय हुआ ये इसमें पालक मंत्री का कोई रोल नहीं था। सोलापुर हमारे जिले के जो कलेक्टर साहब हैं मिलिंद शंभरकर साहब ने और महानगर पालिका के आयुक्त पी वी शिवशंकर साहब और सोलापुर शहर के हमारे सीपी साहब अंकुश शिंदे साहब, ये तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर जो है ये लॉकडाउन का जो ना फैसला यहाँ पर लिया था, जिसके चलते लोगों में एक नाराजगी का जो ना माहौल पैदा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जुमेरात का वो दिन था और पालक मंत्री का दौरा जुम्मा के दिन यहाँ पर जो ना होने वाला था, उसके एक दिन कबल जो है जुमेरात के दिन ये गाइडलाइन जो ना इशू हुई कि 15 तारीख तक जो ना वहाँ पर इसको मतलब सोलापुर शहर और ग्रामीण में जो ना कड़क लॉकडाउन किया जाएगा, सिर्फ दूध आपको जो ना घर पर आपको जो ना पहुंच किया जाएगा, किराना और जो ना भाजीपाला टोटली जो ना बंद किया जाएगा। और मुस्लिम समाज में ऐसी एक नाराजगी का माहौल पैदा हुआ कि हमारे ईद के सामने ही क्यों, और बड़े ज्यादा पैमाने पर लोगों की नाराजगी का जो ना हमें वहां पर मुकाबला करना पड़ा। लोगों के फोन जो है ना मुझे जुमेरात के दिन बहुत ज्यादा थे कि बाबा अध्यक्ष ये क्या है, ईद के सामने जो ना ऐसा डिसीजन, ये एक आदत ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज था कि ऐसे अचानक मतलब ये डिसीजन लेने की वजह क्या थी। तो उसमें सोलापुर शहर के हमारे जो मुस्लिम समाज के प्रमुख हैं अमजद अली काजी साहब, उनका मुझे रात में जो ना 11 सवा 11 के वक्त में फ़ोन था कि जुबेर भाई ये इशू बहुत बड़ा होने वाला है और समाज में बेचैनी का माहौल ज़्यादा है, तो क्या किया जाए। मैंने कहा कि कल पालक मंत्री साहब सोलापुर में आने वाले हैं और आपके नेतृत्व में एक 5-6 लोगों का डेलीगेशन पालक मंत्री साहब के पास जाएगा और पालक मंत्री साहब से हम जो ना समाज की भावनाओं को रखेंगे और विनती करेंगे कि हमें जो ना ईद के पहले एक 2-3 दिन का जो ना हमें वहाँ पर जो ना मौका दिया जाए, जिसके लिए जिसको चलते दूध की खरीदारी हो या फिर जो ना शुरकुरमे का सामान हो या फिर जो भी ऐसी कुछ जो जरूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें जो ना मौका दिया जाए। और जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं सोलापुर शहर के मौलाना इब्राहिम कासमी साहब का जुमा के रोज़ सुबह में शहरी के बाद यानी कि फजर की नमाज के बाद उनका भी मुझे फ़ोन था कि जुबेर भाई लोगों के दिल में जो ना नाराजगी काफ़ी ज़्यादा है महाविकास आघाड़ी को लेकर, क्योंकि सरकार जो हमारी है महाराष्ट्र में, तो ये सब जो ना रुख जो है ना हमें लोगों का जो ना ऐसा लगता है कि जो नाराजगी हमारे पक्ष को लेकर जाता है। ठीक है मौलाना साहब, हम लोग जो ना शहर काजी साहब और आप जिम्मेदार हैं, शहर के ऐसे 3-4 जो जिम्मेदार हैं वो सब मिलकर हम जो ना पालक मंत्री से रब्ता कायम करेंगे, तो जुमा के दिन पालक मंत्री साहब से जो ना हमारी शहर काजी अमजद अली साहब और मौलाना इब्राहिम कासमी साहब से जो ना उनको दोनों को लेकर और पालक मंत्री साहब से हमारी मुलाकात हुई। पालक मंत्री साहब ने जो ना हमें आश्वस्त किया कि आप जो ना लोगों की नाराजगी को जो ना दूर कीजिए, मैं आपको जो ना आश्वासन देता हूँ कि कुछ ना कुछ ना मैं वहाँ पर जो ना करने की कोशिश करूँगा, कलेक्टर महानगर पालिका आयुक्त और पुलिस आयुक्त इनसे मैं चर्चा करके जो ना डिसीजन लूँगा। तो आप पूरा सोलापुर शहर जानता ही है कि क्या, मैं समझता हूँ 11 और 12 तारीख को जो है 2 दिन के जो ना चांस यहाँ पर दिए गए, ओपन किया गया,
और उसके बाद में जो ना लोगों के ऐसे नाराजगी वाले फोन ऐसे थे कि जो ना दूध का कैसा किया जाए, दूध को लेकर जो ना क्या किया जाए। तो वापस जो ना शेर का जी साहब, मौलाना इब्राहिम कसबी साहब और हमारे मौलाना ताहिर बेग साहब, फिर जो ना तौफीक भाई शेख हो, फिर मतीन भाई बागवान हो, इन्होंने भी जो ना महानगर पालिका के जो ना हमारे जो सोलापुर के जो मेयर हैं महापौर ताई, उनसे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। विरोधी पक्ष नेता हमारे अमोल बापू शिंदे साहब, उन्होंने उनसे भी कॉन्टेक्ट किया और ये तमाम लोगों की मेहनत रंग लाई, जिसकी वजह से रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, मैं समझता हूँ चांद रात के दिन, 3 घंटे जो ना दूध खरीद करने का वहाँ पर जो ना मौका मिला। आज जो पैंडेमिक सिचुएशन से सोलापुर की आवाम जूझ रही है, इसको रोकने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने क्या इकदाम किए और क्या सहूलियत फराहम की? पिछले साल मार्च 2020 से लेकर आज तक जो सोलापुर शहर ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश और दुनिया में ये कोरोना महामारी का जो मौसम चल रहा है, अब सोलापुर के पार्टी के जिम्मेदार बोलकर जो है ना भारत यादव साहब के इनके नेतृत्व में संतोष भो पवार हो कार्याध्यक्ष या फिर जो है योग अध्यक्ष बोल रहे हैं और हमारी जो है पूरी टीम सोलापुर शहर में हॉस्पिटलाइजेशन का जो माहौल है, लोगों के बिल का मसला हो या महात्मा बोले जन आरोग्य योजना में जो ना गरीब लोगों को समावेश करना हो या किसी लोगों को जो ना अगर ऑक्सीजन की कमी होती है या कोई जो ना किसी को बेड नहीं मिलता, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा जो ना फील्ड पर उतर कर जो ना यहाँ पर काम करती है। अभी सोलापुर शहर में बेड की कमतरता को लेकर, ऑक्सीजन की कमतरता को लेकर हमारे पार्टी के कार्याध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय संतोष पवार साहब ने ग्रामीण रुग्णालय जो है उसका वहाँ पर जो ना कंस्ट्रक्शन का काम अभी फिलहाल चालू है, तो उस काम को स्पीड यानी कि प्रगति मिलने के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहब को जो ना उन्होंने पत्र व्यवहार किया और पालकपति साहब से भी उन्होंने विनती की कि यहाँ पर जो ना निधि की उपलब्धता यहाँ पर जो ना की जाए, जिसके चलते तुरंत हमारी जो ना मांगनी को वहाँ पर जो ना कामयाबी मिली, मंजूरी मिली और मैं समझता हूँ कि 14 करोड़ रुपए आदरणीय अजीत दादा पवार साहब ने और सोलापुर जिला के हमारे पालक मंत्री आदरणीय दत्ता मामा भरणे साहब ने जो है ना 14 करोड़ रुपए की जो ना यहाँ पर जो ना मंजूरी यहाँ पर मिली है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जल्द से जल्द जो ना वो काम को जो ना अंजाम दिया जाए। तो इसी के चलते जुबेर भाई बागवान से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आवाम को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर नेता बनना है, राजनीति में उतरना है, तो जुबेर भाई से आप थोड़ी बहुत सीख लें, उनसे ट्रेनिंग लें। क्यों तो पद हर किसी को मिलती है लेकिन वो पद का इस्तेमाल करना सबको आता नहीं है। ये मेरी व्यक्ति पर्सनल राय मैं बता रहा हूँ। क्यों तो इससे पहले युवक अध्यक्ष का कार्य क्या रहता है ये कभी हमें समझ में नहीं आया। युवक अध्यक्ष क्या रहता है और उसका काम क्या रहता है ये हमें जुबेर भाई बागवान ने बताया कि किस हद तक जाकर काम कर सकते हैं। तो मैं जुबेर भाई बागवान को लोक प्रधान न्यूज चैनल की तरफ से शुभेच्छा देता हूँ कि वो ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही सक्सेस हासिल करते रहे। लोक प्रधान न्यूज की जानिब से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आप कुछ आवाम को मैसेज देना चाहते हैं तो आप। मैं सोलापुर शहर के तमाम आवाम को जो ना यही आपके चैनल के माध्यम से जो ना आह्वान करूँगा कि आज के कोरोना के हालात को मद्देनजर रखते हुए विकास आघाड़ी जो सरकार आज महाराष्ट्र में जो ना बड़े अच्छे पैमाने पर जो ना यहाँ पर काम को अंजाम दे रही है, हमारे यहाँ पर जो ना आरोग्य यंत्रणा बड़ी सक्षम है और सोलापुर शहर की अगर बात किया जाए तो महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, कलेक्टर हैं, CP साहब हैं, इन्होंने जो गाइडलाइन जो इशू किए हैं उनका आप जो ना तत्वतन आप जो ना पालन करें। हमें हमारी एक सोलापुर के नागरिक बोलकर हर एक की जिम्मेदारी है कि हम जल्द से जल्द जो है ना कोरोना मुक्त सोलापुर करने के लिए हर एक नागरिक का यहाँ पर सहयोग। आपके चैनल के माध्यम से मैं सोलापुर की जनता को यही आह्वान करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।